मुख्य चिकित्सा कार्यालय डोडा के 15 से अधिक कर्मचारियों का कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया। इसके साथ ही डोडा स्थित कार्यालय को सील कर दिया गया है और संबंधित एजेंसियों के सकारात्मक व्यक्तियों के संपर्कों का पता लगाने के लिए काम सौंपा गया है। डोडा में सरकारी कर्मचारियों के एकीकृत परीक्षण के हिस्से के रूप में कर्मचारियों के नमूने लिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डायोफोर्ड ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सबको घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को संबंधित एजेंसियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को मास्क पहनना चाहिए और सुरक्षित रहने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। जी, पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आप जानते हैं कि रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कुछ जो मैंने तकरीबन 1.5 महीने पहले शुरू हुई थी हमारे पास में, तो उसमें हमने अब ये एक मास ड्राइव पे लिया हुआ है डायरेक्शंस के ऊपर गवर्नमेंट के भी, कि सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हमारे मेजर हैं जिनको पब्लिक कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा है तो उनमें जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनकी टेस्टिंग की जाएगी। तो आज कुछ ऑफिसर्स की हमने टेस्टिंग करवाई है, सीएमओ ऑफिस के जैसे कुछ टेस्ट रिजल्ट सामने आए हैं, अभी भी काम उसमें चल रहा है। कुछ 10-12 से ज़्यादा केसेस अभी उसमें आए हैं लेकिन और ज़्यादा आने की आशंका है। उसी तरीके से ना ही सिर्फ टेस्टिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो अब चल रही है सारी, तो इसीलिए रिस्ट्रिक्शन जो है वो कम होते जा रहे हैं। पब्लिक का प्रेशर जो है वो, मिलने वालों का प्रेशर भी अलग अलग ऑफिसेज में बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमें जो है वो पॉजिटिव केसेज निकलेंगे, लेकिन इसमें बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता हमारे पास नहीं है। सिम्टोमेटिक केसेज जो है वो हमारे पास बहुत कम है, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हमारे पास जितनी उपलब्ध होनी चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में है, तो इसीलिए बस आपका ख्याल ये हमें रखना है कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म जो हमें बताए गए हैं उसको पालन करना है और मास्क का यूसेज जो है वो बहुत सबसे अत्यंत हमारे लिए आवश्यक है। अभी फिलहाल जो एम्प्लॉयज़ निकले हुए हैं, जाहिर सी बात है कि उनको जो है वो बोला गया है कि आप जो प्रोटोकॉल्स हैं इधर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन के जो भी है या फिर होम आइसोलेशन के, वो सारे प्रोटोकॉल्स उनके बारे में फॉलो होंगे। जो नेगेटिव आएंगे वो काम अपना करना शुरू करेंगे, अलबत्ता उससे पहले जो है वो सैनिटाइजेशन वगैरह ऑफिस का करना ज़रूरी होगा, वो कर लेंगे, लेकिन इमीडिएटली जो है जो नेगेटिव आए हैं वो जो है वो छुट्टी पे नहीं जाएंगे, वो इमीडिएटली काम करते रहेंगे अपना। डोडा से उमर शहजाद की रिपोर्ट, न्यूज़ ऑनलाइन। प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यूज़ अपडेट्स।